अलमैरान वाटर पार्क जो है वो कराची का सबसे नज़दीकी वाटर पार्क है। JDC का जो ऑफिस है सोराब कोर्ट पर, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर का फासला है और 13 किलोमीटर बाद ये आ जाता है, यानी कि कराची में की आबादी से सबसे करीब तरीन वाटर पार्क जो है वो यही मैरान वाटर पार्क है और सबसे सस्ता भी है। 800 रुपये टिकट ले रहे हैं और मैं अभी पिछले दिनों आपने वीडियो देखी होगी, स्विमिंग पूल गया था वहाँ पे 400 रुपये लिए थे। तो 800 रुपये वाटर पार्क के लिए अच्छा है, बहुत मुनासिब है, सबसे करीब और सबसे सस्ता वाटर पार्क। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल हबीब रेस्टोरेंट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अल हबीब का बोर्ड लगा हुआ है। आज हम आए हैं मेहरान वाटर पार्क के लिए, जो कि अल हबीब रेस्टोरेंट के अंदर ही वाक़ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया है। अब जाहिर सी बात है, मैं अकेला तो जाने से रहा, क्योंकि एक बंदे के लिए पूरा वाटर पार्क की मशीनरी तो नहीं चलाएंगे, ये जाहिर सी बात है, तो पूछने का फ़ायदा भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जेंट्स अलाउड भी नहीं है, वो तो खैर मसला नहीं है इतना, लेकिन असल मसला ये है कि लोग नहीं हैं। अब लोग नहीं हैं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है जाने का, तो फिर ख्वारी हो गई आज की। अब देखते हैं कि आज क्या करना है मुझे। ये एंट्रेंस है मेहरान वाटर पार्क की, टाइमिंग लिखी हुई है सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, और ये सिर्फ़ फैमिलीज़ के लिए है। ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ करते हैं, जेंट्स को अलाउ नहीं करते, ऐसा ही है ना। चलो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर। और थोड़ा सा मैं अगर करीब से दिखा सकूँ तो ये कुछ वाटर स्लाइड्स नज़र आ रही हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। और बस ये दो ही हैं स्लाइड्स यहाँ पर। दोस्त शाबान नाम, शाबान भाई, तो कल बता रहे हैं कि कल तकरीबन 200 बंदे आए हुए थे जी सर, और आज खाली पड़ा हुआ है। चलो नसीब नसीब की बात होती है, अभी आ जाएंगे। अच्छा एंट्री कितनी है यहाँ पर? 800 जी, 800। अच्छा ये लिखा हुआ भी है छोटे बड़े 800। कितने साल तक के बच्चे का टिकट है? 2 साल का बच्चा स्टार्ट है, वीडियो नहीं। अच्छा 2 साल से छोटे का टिकट नहीं है और 2 साल से बड़ा जितना भी हो 800 रुपये है। काफ़ी सस्ता टिकट रखा हुआ है यार बाकियों के मुकाबले। मेहरान वाटर पार्क से नाकाम वापस जा रहे हैं। लाइफ में ऐसा भी होता है, क्योंकि बग़ैर फैमिली के एंट्री नहीं है और मैं अकेला हूँ, तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट भी की लेकिन नहीं मान रहे। तो जब भी मेहरान वाटर पार्क आएँ आप फैमिली के साथ ज़रूर आएँ, वरना आपको जाने नहीं दिया जाएगा। और फैमिली में भी लेडीज़ होनी ज़रूरी है, ये अच्छी बात है। मैं अभी मौजूद हूँ मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कराची, स्विमिंग पूल है बेसिकली है, और बंदूक खान स्विमिंग पूल के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पे भी मैरीटाइम वालों की क्लास चल रही है 12 बजे तक। इस पूल की मैं लोकेशन अगर आपको बता सकूँ तो जमाली पुल के बिल्कुल करीब है ये। ये यहाँ से जमाली पुल नज़र भी आ रहा है, जो ट्रैफिक जा रही है ये जमाली पुल या मंडी पुल जिसको कहते हैं वो है, और इसके बिल्कुल सामने ही ये पुल है। अच्छा ये टोकन हमने ले लिया है, टोकन जो है वो 300 का है, लॉकर चार्जेस 50 रुपीज़ हैं और 150 रुपये डिपॉजिट लिया है इन्होंने। अब हम अंदर चल रहे हैं, टोकन देते हैं भाई को, किसको देना है? एक नंबर लॉकर हमें अलॉट हो गया है और एक नंबर के अंदर तो चाय फ्री है। वाह भाई, इसके अंदर चाय फ्री मिल रही है मुझे लॉकर। यहाँ से बात लेना पड़ेगा, जो कि हर पूल का रूल है। पूल में एंट्री करते हुए, पूल बिल्कुल खाली हो गया, इनकी क्लास ख़त्म हुई है मैरीटाइम वालों की, तो पूल बिल्कुल ही खाली हो गया है। सीढ़ियों से जा रहे हैं पूल में, गहराई देखते हैं, कोई ठंडा पानी है। हाँ पानी साफ है, नहीं में क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हल्का सा जो है वो नमकीन है, हल्का सा, बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। एक अच्छी बात है, क्लोरीन बिल्कुल भी नहीं मिल रही है मुझे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरे ख्याल से पूल बना हुआ है। पूल में ये शेड भी लगा हुआ है धूप से बचने के लिए, ऑल दो मौसम आज अच्छा है, बादल आए हुए हैं, लेकिन शेड में रहें तो ज़्यादा बेहतर है।
मज़े की चीज़ है। यहाँ चाय भी लगा सकते हैं, यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं समोसे चाय लेके जा रहे हैं आ रहे हैं पता नहीं। ऊपर ही चलते हैं भाई, नीचे बहुत अंदर बहुत गहरा है, यहाँ पे डाइव मारते हैं। ये स्टैंड भी बना हुआ है, यहाँ से डाइव लगा सकते हैं, यहाँ से डाइव लगा सकते हैं। पूल अभी तकरीबन खाली पड़ा हुआ है, पूल में अच्छा खासा नहा लिया, अच्छा पूल है। बहुत थक गया मैं आज, प्रॉपर थोड़ी बहुत स्विमिंग की है मैंने, बहुत थक गया हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही रखते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।